वो देखो एक देखो सबसे ज्यादा जो हार्ड वर्किंग है ना वो देखो वो नीचे खराटे ले रही है। एसी के अंदर मस्ती मार रहे हैं और मेरे पूरे कपड़े इन्होंने कर दिए खराब। ओ चमेली यार, राहुल ये तो फिर से बहुत भारी हो रही है। सुनो ये कालू घूम रहा था यहाँ पे, फिर से तो नहीं कांड कर गया? सो गाइस एक सबसे बड़ी गुड न्यूज आ गई है। यस, कल दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर हियरिंग हुई थी। जिन जिन लोगों को हमने टैग किया था अपना और जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया इस डॉग बैन में, तो आगे जाके कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो हम भी आपका साथ नहीं देंगे। और यहाँ मॉर्निंग के अंदर शिवाय जा रहा है अपने स्कूल और साथ में छोड़ने जा रहे हैं जोई और क्लोई सिर्फ। तो ये छोटे छोटे ट्रिप ना हमें करवाने बहुत जरूरी है। वो देख लो, वो ना पीछे शिवाय को देख रही है क्लोडो। और इससे ना हमें ये कंफर्म हो रहा है धीरे धीरे हम छोटे छोटे ट्रिप्स करा रहे हैं विदाउट बब्सी एंड लेडी ऑली, ताकि अगर क्लोई को ट्रेवल करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम ना हो। डॉग्स में काफी हद तक ना मोशन सिकनेस होती है, बट आई एम ब्लेस्ड कि हमारे पास जितने भी चार डॉग्स हैं चारों के चारों मोशन सिकनेस फ्री हैं। तो अब जरा शिवाय को उतारते हैं फिर आपसे बात करते हैं। हाँ जी, घूमी घूमी कराए आप? हाँ क्लोडो अपने घूमी घूमी कराई है, मम्मी भी अपनी घूमी घूमी कराई है, साथ मम्मी का तो चक्कर ही आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो चले उतारे हैं इनको। हाँ जी घूमी घूमी करा है ना? नहीं कर रही वो, देखो किससे छुटकू तो इधर आ गई। हाँ कर ली इसने तो। चलो चले। सो हाय गाइस, वेलकम टू योर न्यू व्लॉग ऑन योर फेवरेट चैनल बब्जी लेडी ऑली का पुराना नमितोलॉजी। आंखें देख रहे हो, आंखों में पानी भरा हुआ है क्या? ऐसे भी देख रहा है बब्बे? और ये आंखें ना बब्जी की है। ये ना मेरे साथ ऑफिस में आराम से लेटा हुआ प्यार ले ही जा रहा है। और मैं आपको ऑफिस का सेटअप दिखाता हूँ आज, बहुत जरूरी है आपको ये दिखाना कि हमारे ऑफिस चलता कैसे है। वो देखो एक देखो सबसे ज्यादा जो हार्ड वर्किंग है ना वो देखो वो नीचे खराटे ले रही है। ये देख रहे हो, ये हार्ड वर्किंग है, सबसे ज्यादा मेहनत करती है। और थोड़ी दूर के अंदर एक और है, वो कहाँ चली गई? अच्छा वो पीछे आ गई। अब मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, ये है हमारी ओला जी। और इन दोनों की डॉटर का, अच्छा जी वो डॉटर यहाँ बैठी है। तो पूरे चारों के चारों एसी के अंदर मस्ती मार रहे हैं और मेरे पूरे कपड़े इन्होंने कर दिए खराब। तो देख लो तीन रॉटवाइलर्स, बब्जी, तू ये देखो, ये तो मुझे पता नहीं क्या करती रहती है। मैंने खाना खाने जाना है नीचे और ये आज अंदर क्यों बैठे हुए? क्योंकि दिल्ली में हो गई है गर्मियां शुरू और अब इनका टाइम आ गया एसी में बैठने का। और एसी में कैसे बैठता है मैं आपको समझाता हूँ, इसका तो एक अलग ही रूल है। ये देखो मैंने थोड़ा सा हाथ लगाया तो मेरे ऊपर चढ़ गई, इसको नीचे उतर भारी, ठीक है। और वो देखो वो पीछे आपको पट्टा दिख रहा है, वो ना बब्जी का है। हट बब्बे, ढोई हटा अपनी। ये देखो तो बब्जी जब भी एसी में बैठता है ना तो पट्टा उतार के बैठता है। और बब्जी की ना जो चोट लगी है ना, ये लेडी ऑली ने मारी है जब ये पंगे ले रहा था हीट के टाइम पे इससे। हाँ जी बोलो बोलो बोलो। और वो देखो हमारी क्लोडो ब्लू वाइट, आधी ब्लू रह गई है आधी काली रह गई है। क्या है क्या है क्या है? अभी चलते हैं थोड़ी देर में, नीचे चलते हैं। हाँ क्या तेरी तो, ये देखो इसके ना मैं इसके दांत ना ऐसे साफ करता रहता हूँ इतने ना दिखा दो अपने दांत, दिखो देखो इसके तो बब्जी का तो आप दांत देखो, ये देखो इतने तगड़े दांत है ना बब्जी के तो। और ये रही हमारी क्यूट सी ओला, वही मेरे बच्चों। चले आज नीचे चले, तुम नीचे बैठोगे थोड़ी देर, अब बेड़े में बैठते हैं थोड़ी देर, ठीक है? सफाई हो गई है, आप दोनों नीचे चलो। इन दोनों को नीचे ले जाता हूँ मैं बड़ों को, जोई और क्लोई को तुम अपने पास रख लो, ठीक है ना? ओके। तो मैं पहले अपने स्टाफ से पूछूंगा कि ये भी कंफर्टेबल होने चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा डरते हैं। तुम्हारी शक्लें दिखा दूं मैं वीडियो में? नहीं, मना कर दिया उन्होंने कि हमारी शक्लें मत दिखाना। पर मैं आपको दिखा देता हूँ इतना सा कि देखो एक यहाँ पे मैडम बैठी है और एक पीछे सर बैठे हैं। शक्लें इन्होंने मना कर दिया कि सर हमें कुछ नहीं, हम कैमरे पे नहीं आएंगे, हम सीधा बिग बॉस में जाएंगे, ठीक है? तो इन दोनों की अपनी मर्जी है। तो ये देखो ओए होए जोई भी आ गई है प्यार लेने के लिए। और अब मैं जा, वो देखो याद है हमने पहले जब बच्चे हुए थे तो हमने ये एक
यहाँ पे वो लगाया था। क्लोई क्या कर रही है तू, क्लोई ये देखो उसको चाट रही है। अब मेरा खाना नीचे बन गया है, मुझे जाना पड़ेगा, पर तुम्हें मुझे इजाजत देनी पड़ेगी। चलो। हाँ जी, खड़ा हो गया मैं। मेरे ये वाइट कपड़ों का हाल आप देख रहे हो, बुरा हाल कर दिया। हट जाओ यहाँ से, हटो यहाँ से, मेरी चेयर इधर जाएगी पहले। हट जाओ जोई, तो अपना अंदर बैठ जाओ और तुम दोनों चलो। अगर चलो चलो आ जाओ। हाँ नहीं आ रहे आप? अबे तू तो आ, क्लोडो चल अंदर। बबे कम, हट जा क्लोडो, चल बबे चलो। तो ये रिंग ऊपर, ओए मेरे ऊपर वाइपर गिराती हुई गई है भागते हुए। अब चलो देखते हैं नीचे इनकी मम्मी इनका स्वागत करती है कि नहीं करती है। मुझे तो नहीं लगता स्वागत होगा। ये थोड़ी देर बाहर बैठेंगे अपना, फिर वॉक करेंगे ये दोनों के दोनों। हाँ जी मजा आ रहा है आपको है? मम्मी आपका स्वागत करेगी कि नहीं करेगी? चलो चले। ये देखो मम्मी की आवाज आ गई है। चलो चलो सीधा बाहर चलना, अंदर नहीं, मम्मी गुस्सा करेगी। चलो इधर, वेरी गुड। ये दोनों अब थोड़ी देर बाहर बैठेंगे यहाँ पे, अभी थोड़ी देर में चलते हैं घूमने। मैं आपका फैन ऑन कर रहा हूँ, ठीक है? थोड़ी देर यहाँ पे बैठो, मम्मी अपना लैपटॉप पे काम कर रही है, आपको जूर दिख रहा है। हाँ जी क्या हाल है आपके? कोई जवाब नहीं, इग्नोर करना कोई इनसे सीखे। तो अब मैं इनको पानी डाल देता हूँ, थोड़ी देर इनको यहाँ पे रखूंगा मैं, और उसके बाद इनको एक थोड़ी सी छोटी सी वॉक पे लेके जाऊंगा, क्योंकि जोई और क्लोई की सुबह की वॉक हो गई है। तो फाइनली शिवाय जाके अब सेटल हुआ, और यहाँ क्लोडो भी नीचे आ गई है। टाइम हो गया है 4:45 और हम जा रहे हैं थोड़ी मस्ती मार रहे हैं। और वो मस्ती कैसे, तो ये दोनों के दोनों नीचे आए हुए थे, आप भूल गए क्या इनको है? अब भूल गए? चलो घूमने चले, आओ घूमने चले। चलो तीनों इधर 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 आ जाओ, घूमी घूमी चलते हैं तीनों के तीनों है। हाँ बब्बे चलो, गुड बॉय, सारे घूमने चलते हैं, ठीक है? सारे घूमने चलते हैं। ऊपर से जोई आ रही है दिशु के साथ, और फिर हम घूमी घूमी करेंगे। मैं एक बार बोल दूं कि आपका स्ट्रैप भी ले आए, ठीक है ना? मैं बोल देता हूँ, दो मिनटों को। चलो चलो उधर मन्नी बाहर आ जाए, बाहर से ही चलूंगा। चलो दो मिनट तू देख ले, हटो हट जाओ, सारे सारे हट जाओ। तो यहाँ पे अभी कोई नहीं है, ये पट्टा लेके आया दिशु बब्बे का। रुको वेट, चलो भाग गए सारे के सारे, और पीछे से हमारी रोशनी। ये लो जी फन, ये लो बब्जी को पहना दियो, पहना ना। नहीं 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 करता, डरपोक एक नंबर का। और फाइनली पूरा पैक यहाँ पे शाम के एक्सरसाइज करने के लिए दोबारा नीचे आ गया, और रोशनी भी इस पैक का हिस्सा पूरा पूरा बन गई है। आप देख रहे हो कैसे लहर आ रही है, उधर लेडी ऑली, उधर बब्जी, और क्लोई देखो, क्लोई भी अपनी मस्ती के अंदर है। इसको बड़ा मज़ा आने लग गया पैक के अंदर घूमने से ना। ये देखो अब ये बॉल फेंकी और ये सारे के सारे भागना शुरू। बब्जी अपनी लहर में है, क्लोई अपनी लहर में है, और वो दोनों के दोनों कॉम्पिटिटिव। ओ चमेली, यार राहुल ये तो फिर से बहुत भारी हो रही है। सुनो है, ये कालू घूम रहा था यहाँ पे, फिर से तो नहीं कांड कर गया? चमेली ओए चमेली, चमेली यार राहुल ये तो बहुत मोटी हो रखी है, ये कालू जो इतने 2-3 दिन से यहाँ घूम रहा है यार। चमेली है वो? अच्छा। चंपा तो बूढ़ी हो गई है ना, थोड़ा आगे हो गया, कोई गाड़ी बहुत तेज ला रहा है, ला रहा तो ऐसे ही, यही तो है कल। नहीं कोई और है, फ्रॉन्स है। आगे से सब एक जैसी दिखती हैं भाई, नेक्सा नहीं खरीदेंगे अब, मत लियो भाई। गाइस हमें थोड़े सजेशंस दो, गाड़ी कौन सी खरीदें? हम ईवी में ढूंढ रहे हैं हम नेक्स्ट गाड़ी, तो ये वाली हमने बेचने पे लगाई हुई है। वो सरदार जी आपने देखा सुबह तो देख गए हैं, बाकी बताएंगे, और जैसे ही हो जाएगी सेल तो कुछ हम ईवी में ऑप्शन सोच रहे हैं। इसको पकड़ो, वो बंदा वैसे ही नहीं देख रहा। तो तुम बताओ कोई नेक्सॉन देखोगे?
अभी कुछ नहीं पता। चलो ठीक है, अभी सर को कुछ नहीं पता। वो कह रहा देख 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 देख, अब देख मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। अच्छा नहीं नहीं कुछ नहीं मिलेगा अभी तो, कोई नहीं, दादी हाउस चलते हैं, पकड़ जा रहा तू खेल, मैं दादी को छोड़ के, तू खेल खोल जाओ फोन तो कर लो पहले दादी को। चलो तो ये तो चला गया दादी हाउस घूमने, और वहां से आ रही है चमेली की एक डॉटर भागती हुई। चला जा दादी हाउस, बाय। तो दादी हाउस जाने में बड़ी खुशी मिलती है। चला गया। ओए लड़ क्यों रहे हो दामनी, किसको मार रही है ये दामनी? चार्ली को मार रही है। ओए ओए ओए, गई गई उसको मारने, गई गई, हो गई लड़ाई। वो देखो झाड़ी हिली थी जोर से, गई। ये बहुत लड़ते हैं। अब रोशनी का तो इन्होंने जीना मुश्किल किया हुआ है, वो तो बिल्कुल ही नहीं इनके मुंह लगती। चमेली, अब चमेली गई है अपने बच्चों का ना लड़ाई सॉर्ट कराने, माँ का बस यही काम है। सो गाइस यहाँ पे मेरी अपलोडिंग चल रही है और यहाँ चल रही है मन्नी की कॉल, और ये बहुत ज़रूरी है। दो घंटे की कॉल है इसकी, और ऑफिस में अब कोई भी नहीं है। अब आप देखोगे ना पूरा ऑफिस खाली है इस टाइम। और मन्नी ने मुझे बोला है कि आप एक काम करो, जोई को नीचे ले जाओ, क्योंकि इस टाइम मैं ना आवाज़ नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी, क्योंकि जोई भौंकेगी, क्योंकि जर्मन शेपर्ड अगर आ गया था। और अगली कॉल है मन्नी की, यहाँ पे मन्नी ने बोलना है पूरी टीम के सामने। एक्साइटेड तो गाइस फाइनली मीटिंग हो गई है खत्म। वैसे तो एक मीटिंग अभी भी है 8:30 से 9, और उसके बाद 10 से 11 मैंने तो मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे आ गया शिवाय। हेलो, चलो खाना खाए। किशी पहले, मम्मा किशी करो, मम्मा को नहीं पहले किशी, मेरे पकड़ो। चलो तो इसको मेरे हाथ में ना गेटोरेट दिख गई है, तो उसको पीने पड़ गया। भुखुरा ये देखो, जो मम्मा पापा ने पीना इसने यही पीना, देखो कैसे देख रहा है। सो गाइस एक सबसे बड़ी गुड न्यूज आ गई है। यस, कल दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर हियरिंग हुई थी और बहुत ही अच्छी न्यूज आई है। तो जो लोग बहुत ज्यादा फुदक रहे थे कि डॉग बैन डॉग बैन डॉग बैन, अभी ऑर्डर की कॉपी आनी बाकी है, बट मैं आपको बता दूं कि हो क्या रहा है। हो ये रहा, डॉग बैन कोई नहीं है इंडिया में, कोई डॉग बैन नहीं है। आप एक सिर्फ बैन जो लगेगा वो लगेगा इम्पोर्ट ऑफ दिस, जो 23 इन्होंने फेरोशियस डॉग ब्रीड्स बना दी थी जो है नहीं, उसके ऊपर इन्होंने बाहर से डॉग लाना मना कर दिया है, इम्पोर्ट नहीं कर सकते आप। अब ब्रीडिंग कर सकते हो, और कोई ऑल ओवर इंडिया सेंटर की तरफ से उन्होंने अपना केस वापस ले लिया है, एंड इवेंचुअली आपको 2-3 दिन के अंदर पता चल ही जाएगा। बट इंडिया के अंदर कोई डॉग बैन नहीं है, तो घबराओ मत, अपने डॉग्स को कोई जरूरत नहीं है न्यूटर कराने की। और कोई भी अगर आपके घर आती है अथॉरिटी, तो आप पहले उनसे आईडी कार्ड लीजिए, उनसे लेटर लीजिए कि आप हमारे डॉग को किस पर्पज से देखने आ रहे हैं। वो लेटर्स लेके सीधा FIR पास के थाने में चले जाइए, ठीक है, और जाके FIR करा दीजिए। तो गाइज बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत अच्छी चीज हुई है, और जिन लोगों ने हमारा साथ दिया वेरी गुड, और जिन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया पेट इन्फ्लुएंसर्स होते हुए भी, तो आपको हम छोड़ेंगे तो है नहीं, हम क्या छोड़ेंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा पर्सनली। मैं अमन एंड बुली, मैं इसे स्पेशल मेंशन आपको बता देता हूँ, हिमालयन हस्की, अमन एंड बुली, एंड पुलकित, पुलकित बैम, इन तीनों ने बहुत साथ दिया। और मुझे लगता है मार्केट में ये तीन ही है, बाकी तो सारे ही फुद्दू हैं, जो अपने आप को पेट इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, दे आर ऑल फुद्दू। आपके पास ये ब्रीड नहीं है तो आपने, मैंने काफी लोगों के कमेंट पढ़े, मैंने उस टाइम निगलेक्ट कर दिया, बट तुम अभी ना बच्चे पैदा भी नहीं हुए हो, और जहाँ हमने फिर भी तुमसे, तुम्हें उतनी इज्जत दी कि तुम थोड़ा सा आओ, बट तुम्हें वो रास नहीं आई। तो भगवान ना करे कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो, बट तुम मेरे तो निशाने पे रहोगे ही रहोगे। हरप्रीत SGC बाजी, थैंक यू सो वेरी मच, वेरी नाइस फैमिली। स्पेशल थैंक्स टू अमन एंड बुली, उसने भी बहुत एफर्ट डाला है, हमारे हिमालयन हस्की। बाकी हमने जिन जिन से हेल्प मांगी थी, ये बात तो कोई है ही नहीं, जिस बंदे के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है ना, जो डॉग्स के लिए खड़ा ही नहीं हो सकता, तो उससे कोई बकवास करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आपने मुझे कभी बोला कि आगे जाके आप इन फुद्दू से रियायो कर रहे हो कोलैबोरेशन, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि रीढ़ की हड्डी होना ना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर, आपको स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। और जिन जिन लोगों को हमने टैग किया था अपना, और जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया इस डॉग बैन में, तो आगे जाके कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो हम भी आपका साथ नहीं देंगे। मैं टिट फॉर टैट चलता हूँ व्हेन इट कम्स टू माय
जान, माई डॉग्स, माई फैमिली। अगर आप मेरी फैमिली के साथ नहीं खड़े हुए तो मैं भी आपकी फैमिली के साथ नहीं खड़ा हूँ। और डॉग वैन हट गया है, अब तुम अपने चुज्जे मुज्जे जितने भी डॉग इन्फ्लुएंसर्स हो, तुम छोटे छोटे कुत्ते लेके जो तुम घूम रहे हो, बीगल हो गया, हस्की हो गया, जितने भी तुम छोटे मोटे नमस्ते कराते हो, जो भी कराते हो, तुम्हारी तो मैं वाट लगाऊंगा, तुम टेंशन ना लेना। तुमने मेरा साथ नहीं दिया ना, तुम्हारे कुत्ता खानी करूंगा मैं, तुम्हारे कुत्ते उधेड़ दूंगा, तुम देखना कैसे, और कुत्ते उधेड़ दूंगा, क्योंकि हमें इस टाइम बहुत ज्यादा जरूरत थी कि एज ए यूनिटी हमें सब आना चाहिए। बट लोगों के अंदर इतनी ईगो है, उनके पास इतने से फॉलोअर्स आ जाते हैं और वो अपने आप को बहुत हुआ बनते हैं। शक्ल ना सूरत, अकल एक पैसे की नहीं, पेट पेरेंटिंग की भी नहीं, ठीक है। मैं दो तीन नाम तो लेना चाहता हूँ पर मैं ले नहीं सकता क्योंकि मेरी वाइफ मेरे को मना करती है। बाकी आई सी यू अराउंड, डोंट वरी, राहुल से कोई छुप के नहीं बैठ सकता। और वेरी वेरी थैंक्स टू अमन एंड बुली स्पेशली, उसने पिटीशन चलाई, बहुत अच्छा किया अमन ने अपनी तरफ से, पूरा हिम्मत की। हस्की, हमारा हिमालयन हस्की दिव्य खत्री, उसने बहुत हिम्मत की है, बहुत अच्छी बातें करता है, सेंसिबल, पढ़े लिखे लोगों से जब आप मिलते हो ना आपको समझ आ जाता है, ठीक है। हरप्रीत जी, हरप्रीत पाजी, मैं आपसे मिला कभी भी नहीं, बट डेफिनेटली आई कम एंड मीट यू समडे। बाकी पुलकित तो आपको पता है नेक्स्ट लेवल बंदा, मतलब ही इज वन ऑफ माई क्लोजेस्ट इन दिस इंडस्ट्री। सो आर अमन एंड दिव्य, बट बाकी जिन जिन ने, तुम्हारे तो मैं, तुम्हारे कुत्ते कभी किसी दिन किसी स्पॉटलाइट पे आ गए ना, मैं तुम्हें ऐसे खेदूंगा ना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और मैं खेदूंगा जरूर तुम्हें, क्योंकि पता है क्यों, हमारा कुत्ता, क्योंकि ना कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी नहीं नहीं ऐसे याद नहीं है, मैं वैसे बताता हूँ, पता है क्यों, क्योंकि ना तुम में ना अकल की कमी है और एडुकेशन नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है, तुम ना मोटे दिमाग के लोग हो, तुम्हें वो समझ नहीं आएगी। और जिन जिन ने हमारा साथ दिया, थैंक यू। देयर इज नो डॉग बैन इन इंडिया, और इसके ऊपर लेट्स टॉक के एनएन के ऊपर बहुत तगड़ी रील आएगी, एक बार और आपने जिससे शेयर करना है आप करो, कुत्ते खाने का मैं तुम्हारी करूंगा। सो गाइस, इसके बाद इस व्लॉग को एंड करते हैं, मम्मा का फोन आ रहा है और मुझे अंदर से गुस्सा आ गया था, जो जो लोग दगाबाज होते हैं, कुछ नहीं होता, तुम दगाबाज रहो, सी यू टुमारो।